हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज एंड वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं, यहीं पे सामने है स्विमिंग पूल। तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल। देखिए पीछे से सागर भी हो चुका है रेडी, क्योंकि वो अपने में खोया हुआ है, तो उसका ध्यान पूरा उस साइड है, अंदर बच्चे से बात करने में। तो अभी बस कुछ ही देर में लेके चलते हैं आपको स्विमिंग पूल और दिखाते हैं यहाँ पर यहाँ के नज़ारे सुंदर थे। तो देखते हैं मैं नहाता हूँ कि नहीं, मेरी वैसे तबीयत भी खराब है, लेकिन देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे लोग हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम अपने घर से थोड़ा सा बाहर हैं। बाइक लगाई है मैंने थोड़ा सा आगे, और यहाँ से जाना है हमें लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। तो लेके चलता हूँ आपको बहुत ही जल्दी रीगल हेरिटेज। ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है मेरी बाइक, और धूप भी बहुत ही चिलचिलाती हुई है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं लगभग 1/2 किलोमीटर, और बस 1/2 किलोमीटर हमें और जाना है, और उसके बाद बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम स्विमिंग पूल। पूल में आजकल काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो सारे लोग आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पूल के बाहर, और बस अब चलते हैं अंदर। ये जो पूल है ये इंडोर है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रीगल हेरिटेज, जो कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये मतलब एक फार्म हाउस टाइप का भी है, तो अभी आपको लेके चलते हैं अंदर। आज मुझे लग रहा है काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्योंकि बाहर चप्पल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये बच्चे हमसे थोड़े से पहले आ चुके थे और बता रहे हैं कि पानी भी काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। देखिए, नहीं वैसे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, खास भीड़ नहीं है वैसे, अब मुझे तो तैरना आता है नहीं। तो फ्रेंड्स, हम 6 बंदों में से सिर्फ एक ही बंदा तैरना जानता है, और वो है ये लवली। और मैं तो वैसे ही पानी में कूदे जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, 2-4 ही लोग देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों देखिए, लवली इस लड़की के लिए पेंगुइन पेंगुइन बोल रहा है, और अगर ये सुन लेगी तो इसको यहीं पानी में डुबो डुबो के मारेगी। तो फ्रेंड्स, जो ये पूल है इसका 1 घंटे का चार्ज 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ पर पर्सन। और ये तेलपुर चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर है, तो मतलब बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। 1.5 किलोमीटर मैंने ज़्यादा बता दिया, 1 किलोमीटर के आसपास है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।